मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम। अरे जयपुर, गोविंद की नगरी जयपुर में जय श्री राम ऐसे कैसे? हमारे मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, एक बार फिर से जय जय श्री राम। मैं तो कहूंगी मेरी दीदी और वर्षों से पार्टी में संगठन में काम करने वाली ऐसा व्यक्तित्व हमारी मंजू दीदी, मेरी मंजू दीदी के आज नामांकन सभा में मैं सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपको और मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी हमारी दीदी मंजू दीदी को प्रत्याशी बना के उन्होंने भेजा है। हम सब भाग्यशाली हैं, विशेषकर मातृशक्ति अब हमारी बारी है। ठीक है, हमारे आज यहाँ कार्यक्रम में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, जो यहाँ के सांगानेर के और इस लोकसभा के विधायक भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जी, हमारी प्रभारी सह प्रभारी विजया राहटकर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद घनश्याम जी तिवारी साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत जी, हमारे संभाग के प्रभारी नारायण पंचारिया जी, हमारे सांसद रामचरण गोरा जी, हमारे विधायक गण कालीचरण जी, गोपाल जी शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, कैलाश वर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक अशोक जी राहोटी जी, हमारे जिला अध्यक्ष राघव जी शर्मा जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक जी व सभी यहाँ विराजमान सम्मानित मंच, पूरे जयपुर से, मुझे लगता है सिर्फ जयपुर से नहीं लेकिन पूरे राजस्थान से यहाँ आज इस नामांकन सभा में पधारे हुए मेरे सभी परिवार के परिवारजन, बहुत ही हम सभी के लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर शहर से मंजू जी को अवसर दिया है, प्रत्याशी बनाया है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कहने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जीत तो निश्चित है। अब विद्याधर नगर से ज्यादा वोट पड़ते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे मेरे विद्याधर नगर के सभी मेरे क्षेत्रवासी हैं। मुझे सबसे ज्यादा वोटों से राजस्थान में आप लोगों ने जिताकर भेजा है लोग विधानसभा में, और मंजू जी को भी विद्याधर नगर से सबसे ज्यादा वोट मिलने चाहिए और राजस्थान में सबसे बड़ी जीत भी होनी चाहिए। सब मुट्ठी बंद करें, हाथ ऊपर उठाएं और विश्वास दिलाएं मंजू जी को और मंच को कि सबसे ज्यादा वोटों से जयपुर शहर से हम उनको जिताकर लोकसभा भेजेंगे। 1962 के बाद पहली बार एक महिला को अवसर मिला है जयपुर शहर से, और हम सब लोगों को विशेषकर मातृशक्ति, जैसा मुझे आपने विद्याधर नगर से घर घर से वोट निकाला था, इस बार मंजू जी के लिए पूरे जयपुर से एक एक वोट निकलेगा, घर पे नहीं रहेगा, सामने हमारे कोई भी नहीं है, एक ही है जिसको जिताना है, कमल का फूल खिलाना है। और इस बार ये चुनौती है कि कितने वोटों से जीतेंगी, जीतेंगी सही ये तो हम सब जानते हैं लेकिन कितने वोटों से जीतेंगे, राजस्थान में रिकॉर्ड बनाना है, पूरे देश भर में रिकॉर्ड बनाना है। रामचरण जी को भी आपने बहुत वोट दिए, वैसे विद्याधर नगर से उनको भी रिकॉर्ड वोटों से आपने जिताया 1,26,000, और इस बार फिर से उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोटों से, सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोटों से जयपुर की लोकसभा सीट निकलनी चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आप सब लोग आज इनका स्वागत करें और आज से जीत का हम लोग ऐलान करते हैं, कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हैं कि तुम लोग हमारे सामने कहीं नहीं टिकते, हमारे पास नेतृत्व है, नीति है और ऐसा महान लोकप्रिय नेता है, पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं।
तुम्हारे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे तो दुकान में सामान ही नहीं है। तुम तो महिला की, जो महिला का अपमान करता है, लगातार शक्ति का अपमान करता है, सनातन का अपमान करता है, महिला का अपमान करता है, उसके लिए हमारे घर में जगह नहीं है। हिम्मत भी मत करना हमसे वोट मांगने की। तो आज सब लोग यहाँ से, हम सब संकल्प लेके जाए कि हम हमारी मंजू दीदी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। माता की मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी सम्मान्य मंजू जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित गण, सामने विराजमान मेरे इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम बहन मंजू जी के इस नामांकन में साक्षी बनने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसे परिवार को टिकट दिया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसलिए हम सब मिलकर, हम सब का दायित्व है, यही होना चाहिए कि हमारे माननीय रामचंद्र जी बोरा जी को जिस राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था, तो अब हम इस जयपुर शहर से हमारी बहन मंजू को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर हम विजय बनाए, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। अब ये तो नामांकन की नहीं लग रही है, होनी तो ये चाहिए कि नामांकन के साथ विजय रैली भी साथ चले, तो दोनों हाथ ऊपर हों। और बाकी सब अपने नेता बताते रहते हैं कि मुखिया बंद हो, इसके साथ में कमर सीधी हो और नीचे से खून गर्म होता हुआ महसूस हो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गोविंद देव जी की, झारखंड महादेव की, ताड़केश्वर महादेव की, मोती डूंगरी गणेश जी की, चांद पोल बालाजी की, शिला माता की, राम देखिए। पहले अपना प्रतिनिधित्व, हाँ, अपने बीच में मौजूद यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी बैरवा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री घनश्याम तिवारी जी, और राजस्थान में आपातकाल की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरे राजस्थान के प्रति श्री राजेंद्र गहलोत जी, आदरणीय रामचरण बोहरा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, अजय पाल जी, और वो गिनाते गिनाते आठ तक पहुंच गए। इन टिकट अपने आप ही मिल जाती है, 10 का आंकड़ा इनका पूरा होगा, तब तक भी ये वृद्ध होने वाले नहीं है। हमारे संयोजक डॉक्टर एस एस अग्रवाल जी, पुनीत कर्नावट जी, कैलाश वर्मा जी, अशोक लाहौटी जी, और शहर के बहुत ही योग्य अध्यक्ष श्रीमान राघव शर्मा जी। यह वह कार्यालय है जहां से लगातार नामांकन की रैली जाती है और फिर उधर से विजय रैली वापस आती है, वैसा ही आज दौर है। और सामने कौन खड़े हैं कांग्रेस के, मैं तो जानता नहीं कौन है, क्या नाम है, बस इतना पता है कि हमारा प्रतिनिधित्व राह से हुआ करता था और अब मैं जुड़ जाएगा। इस तरह से जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है,
वैसे जयपुर से हमारा राम उम्मीदवार होगा। रामचरण बोहरा जी के बाद में मंजू जी का खड़ा होना, मेरे से अभी किसी ने कहा कि 1962 के बाद जयपुर में पहली बार महिला उम्मीदवार आई है, तो मैंने कहा सिर्फ महिला उम्मीदवार नहीं आई है, महारानी गायत्री देवी जी जयपुर के स्वाभिमान का प्रतीक थी। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था, जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर कि मोहनलाल सुखाड़िया और इनके शासन में जो जयपुर को लूटा खसोटा जा रहा है इसको बंद करो, और उसके बाद में लोकतंत्र की असली प्रतिनिधि के रूप में हमारे चप्पल पहनने वाले प्रदेश अध्यक्ष, केवल दो तीन पैंट शर्ट रखने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, जयपुर की बसावट को, बाहरी जयपुर की बसावट को आकार देने वाले भंवरलाल जी शर्मा की सुपुत्री, पार्टी की आम कार्यकर्ता, पार्टी की आम महिला नेता, पार्टी के किसी भी संघर्ष के अंदर कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर पानी की बौछार खाने वाली मंजू शर्मा हमारे बीच में है। अब आप सोचिए जिस पानी की बौछार को हमारे कार्यकर्ताओं ने महसूस किया है, उस पानी की बौछार को मंजू जी ने महसूस किया है। और जो कालीचरण जी भाई साहब ने कहा है 7 लाख की बात, तो ये सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र है। 7 लाख की बात हमने यहां से शुरू की, उन्होंने 8 लाख तक पहुंचाया है, और जिसको लोग जानते नहीं, और जानते हैं तो पहचानते नहीं, और पहचानते हैं तो केवल भ्रष्टाचार जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को कम से कम 8 लाख वोटों से पराजित करके हमको भेजना है। धीरे धीरे रेले उमड़ रहे हैं, आप पीछे देखिए कैसे भगवा पगड़ी बांधकर, साफे बांधकर हमारे लोग आ रहे हैं। ये संख्या इतनी पहुंचेगी इसकी आवाज जयपुर तक, दिल्ली तक जाएगी। हमारे बीच में विजया राहटकर जी सह प्रभारी, देश की लोकप्रिय महिला नेता, अब ये 3 लोकप्रिय महिलाओं का साथ है। और हमारे यहाँ देवी की शक्ति इस तरह की है कि महालक्ष्मी देवी, महासरस्वती देवी और दुर्गा देवी तीनों यहाँ उपस्थित है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि हमारी जीत देश में सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। जयपुर की प्रत्याशी प्रिय मंजू, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारी प्रभारी नहीं प्रभारी मानवा तो भी विजय राठकर जी, मंच सभी विधायकगण और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और समुपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, मुझे चूंकि अभी 2 साल के काम में जाने का निर्देश दिया है, इसलिए मैं संक्षेप में 2 बात करना चाहूंगा कि ये टिकट केवल महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं, ये टिकट वो टिकट है जिनके साथ मुझे 2 बार 3 बार विधानसभा में रहने का मौका मिला, जिन्होंने संघ से लेकर, जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक जिस निष्ठा, लगन और परिश्रम से काम किया, जिस व्यक्ति ने अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, सर्वस्व समर्पण करके इस स्थान तक जयपुर में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा, उन श्री भंवरलाल जी शर्मा को यह सच्ची श्रद्धांजलि हो। कभी जीवन में कुछ नहीं लिया उन्होंने, उनके बहुत से उदाहरण है, लेकिन मैं आज इतना समय नहीं बताऊंगा, फिर बहुत समय पर बताएंगे। मंजू को भी केवल उनके बेटे होने से टिकट नहीं मिला, लगातार निरंतर पार्टी के हर कार्यक्रमों में हर प्रकार से काम करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने अब
33% 29 में आरक्षण की बात कही है, उसको अभी से शुरुआत कर रहे हैं और जयपुर से श्री गणेश कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नारी शक्ति का बंधन भी है। मैं एक बात का अगर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जयपुर जयपुर के महिला मोर्चा ने सारी महिला ही जिंदाबाद है। हाँ, और अगर जिंदाबाद नहीं कहेंगे तो घर में जाना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप सबकी जिंदाबाद है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जयपुर वो शहर है जो भारत में एकमात्र प्राण प्रतिष्ठित शहर है। हिंदुस्तान में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन विश्व में और भारत में एकमात्र प्राण प्रतिष्ठित शहर जयपुर है। इस शहर को बसाने में, इसको बनाने में जितना काम हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने उसको बिगाड़ने में उतना ही काम किया। अब जैसा गोपाल जी कह रहे थे, गोपाल जी जब आए तो ने सबका नारा लगाया, लेकिन गोपाल जी जब चुनाव में खड़े हुए थे तो मैंने नारा लगाया था लड्डू गोपाल की। तो लड्डू गोपाल जी का कार्यालय यहां खुला और अब ये भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का कार्यालय भी यहीं खुला, तो सगुन तो बिल्कुल ठीक है। कैंडिडेट भी प्रताप सिंह है, उस समय भी थे और इस समय भी है, तो ये सारा सगुन बहुत बढ़िया है। मैं मेरी तरफ से एक बात कहकर कि मोदी जी ने भारत के सारे काम किए उनको मैं वर्णन नहीं करता, लेकिन एक विशेष काम जो किया वो राजस्थान का आंदोलन। राजस्थान पहला राज्य था जिसने EWS के आरक्षण का आंदोलन किया और पहला राज्य था जिसने EWS के आरक्षण को विधानसभा में पास किया। उसी EWS आरक्षण को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC सबके आरक्षण को रखते हुए ये वंचित वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण से हुआ और जयपुर के लोगों को उसको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं पुनः सब कार्यकर्ताओं नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं रामचरण जी बोरा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके दो टर्म के कार्यकाल में जयपुर में रेलवे का, एयरपोर्ट का, सारे कामों का विकास हुआ है और अब तुरंत वो चुनाव में लग गए हैं। मेरा उनको भी, वो जयपुर के जिला प्रमुख भी रहे, दो बार जयपुर के MP भी रहे, मैं उनके आगे उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मंजू जी को पुनः बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार। मैं अब आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया जिसे निवेदन करूंगा समिति के संयोजक श्री डॉक्टर SS अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को दुपट्टा पहनाकर और माननीय प्रिया कुमारी जी को एवं माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारी प्रत्याशी श्रीमती मंजू जी और हमारी जो राजस्थान की चुनाव प्रभारी हैं विजय राठकर जी, उनसे भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दुपट्टा पहनाकर। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष राघव शर्मा जी से निवेदन है, अच्छा। अब मैं
बिना किसी भूमिका के हमारे यशस्व हमारे राजस्थान के चुनाव प्रबंधन समिति के मुखिया और हमारे संगठन प्रभारी श्री नारायण जी पंचालय साहब, सुरेश मंचराज जी, अन्य उपस्थित नेतागण कार्यकर्ता बंधु, राजस्थान में भाजपा।
Thank you.